अनुषा मुझे मेरा पार्सल कब मिलेगा? तुम जब चाहो तुम्हें तुम्हारा पार्सल मिल जाएगा। मैं तो जल्द से जल्द चाहता हूँ, आज ही क्यों नहीं। इतनी जल्दी क्या है केतन, पहले तो मेरी शर्त तो मान लो। अनुषा हमारे धंधे में भी एक उसूल होता है, जो तय हो गया सो हो गया, क्यों बार बार शर्तें नहीं रखी जाती? तो फिर इंतजार करते हैं। किस बात का? जब तक तुम मेरी शर्त नहीं मानते तब तक। अनुषा मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज, ऐसा नहीं चलता। सब चलता है केतन, सब चलता है, बस चलाने आना चाहिए केतन। अनुषा ये एक ही दिन का कारोबार नहीं है, हमें आगे भी साथ काम करना है या नहीं? मैं तो चाहती हूँ केतन कि हम साथ में काम करें, लेकिन मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूँ, शायद तुम्हें नहीं चाहते, पर नई नई शर्तें लेकर आ रही है। केतन अगर मुर्गा कुकड़ू को नहीं करेगा तो क्या सवेरा नहीं होगा? सवेरा तो होगा, तुम नहीं तो कोई और से। ओके। देखो तुम्हें जो कुछ भी सोचना है समझना है जल्दी करो, वरना तुम्हारा पार्सल उड़ भी सकता है। मनीषा तुम जो कुछ भी कह रही हो वो तो पॉसिबल नहीं है, और हमारे धंधे में जुबान से मुकरने का मतलब है धंधा ही बंद। मैं जा रही हूं, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, बता देना। मुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। मम्मी पापा मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए मैं खुद अपनी फ्रेंड की हेल्प करने जा रही हूँ। भैया वापस नहीं आए थे, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। टाटा। संपत्ताई पूरे फ्लोर को उठाओगी क्या? एक घर में खाना बनाती हो और सबको जगा रही हो। देखो ना घंटी भी बजा रही हूँ, अंदर से फोन की आवाज भी आ रही है, ये लोग दरवाजे ही नहीं खोल रहे। देखो ना सुनो ना, कमाल है, ऐसे भी कुछ सोता है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जरा रोहन भाई साहब को फोन तो लगाओ। ठीक है लगाती हूँ। जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। ये तो फोन बंद है। अरे अरे एक मिनट जरा पकड़ लो जाइए आप लोग। अरे क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो? देखो ना साहब और मैम साहब इसे कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। साहब तो कल रात वापस ही नहीं आए, मैम साहब अकेले हैं घर में, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो चलो दरवाजा तोड़ते हैं। हाँ, चलो आ जाओ। इनके शरीर पर हाथापाई के कोई निशान नहीं है। और सर इसके गले की हड्डी भी टूट गई। सचिन देखा तुमने? सीलिंग फैन कम से कम 10 फीट की ऊंचाई पर है, और बुलुशा की हाइट
पुलिशा का कद 5'3", 4" से ज्यादा नहीं होगा। पुलिशा अपने आप को फैन से टांग ही नहीं सकती। और सर, आसपास कहीं पे भी स्टूल या टेबल नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर चढ़कर ये लटक सके। वही तो सबसे बड़ी गलती की है। जिसने भी ये किया है उसने सबसे बड़ी गलती यही की है। आसपास ना कोई टेबल है ना कोई फर्नीचर। इस घर को अच्छी तरह से छान मारो, एक एक इंच, एक एक कोना देखो, सारे फिंगरप्रिंट्स उठा लो। बोलुशा की लाश पहले किसने देखी? जी साहब, हम सबने देखा। सर, मैंने नहीं देखा था, मुझे तो इन लोगों ने कॉल करके बुलाया था। आप कौन? ये फ्लैट मेरा है। वलुषा और उसके पति रोहन को मैंने यहाँ पे किराए पे दिया था। क्या आप में से कोई जानता है कि रोहन कहाँ होगा? साहब, रोहन साहब रात से ही घर नहीं लौटे हैं। रात में अकेले सिर्फ मैडम ही वापस आई थी। और रोहन साहब को हमने फोन भी किया था, उनका फोन बंद आ रहा था। सर, आप बोलिए। सर, वलुषा का सेल फोन मिला है, इसमें लास्ट मैसेज रोहन का है। आधे घंटे में घर पहुंचता हूं। मैसेज रात को 12:30 भेजा है। तो सर, ये रोहन रात में रह कहां गया? अब तक आया क्यों नहीं? कितनी अजीब बात है सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? सर, पूरे घर में कहीं पे भी फिंगरप्रिंट्स है ही नहीं। क्या? घर का सारा सामान अपनी जगह पे है, सारे खिड़कियां दरवाजे भी ठीक है, जबरदस्ती घर में घुसने का कोई निशान नहीं है सर। वाकई बड़ी अजीब बात है, घर में ना कोई फिंगरप्रिंट मिलता है ना जबरदस्ती घर में घुसने के कोई निशान है, तो फिर कौन कर सकता है ये? एक बात बताइए, रोहन और वलुषा कब से रह रहे हैं आपके इस फ्लैट में? सब पिछले महीने आए थे रहने, पूरी जांच पड़ताल कराने के बाद ही मैंने इन लोग को ये घर रेंट पे दिया था। वॉचमैन, एक बात बताओ, क्या इन दोनों को मिलने कोई आया था कल परसों जब भी? जी सर, कल सुबह एक पति पत्नी अपनी बेटी के साथ रोहन साहब और वलुषा मैडम से मिलने के लिए आए थे। हाँ सर, काका क्या बात है? साहब, ये लोग सामने वाली सोसाइटी से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ जी, कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय, मैं प्रणव हूँ और ये मेरी वाइफ है सिमरन और ये मेरी। हाय, मैं विली, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना है, उसे किसी आंटी ने मारा था। दो मिनट बेटा, शांत हो जाओ। छोड़ो मुझे, अंकल कहाँ है मेरी फ्रेंड? कौन फ्रेंड बेटा? मेरी फ्रेंड इसी घर में एक तो रहती है। तुम्हारी फ्रेंड यहाँ रहती है? हाँ, वो इसी घर में तो रहती है। बेटा, यहाँ तो कोई भी छोटा बच्चा नहीं रहता। रोहन, कौन है रोहन? वलुषा, इस बच्ची को लगता है कि इसकी कोई फ्रेंड हमारे यहाँ रहती है। लेकिन बेटा, आई एम सॉरी, यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता है। रहता नहीं, रहती है, मेरी जैसी मेरी एक फ्रेंड। यानी कि बच्ची? अब देखिए ना, हमें भी यही कहकर परेशान कर रखा है कि दोस्त से मिलना है, दोस्त से मिलना है। देखिए, यहाँ तो कोई बच्ची नहीं रहती। खैर, आप ये सब बातें छोड़िए, आइए आइए, अंदर आइए। I'm sorry, मुझे लगता है कि मिली को कोई गलत फहमी हो गई है, वो कोई और ही फ्लैट होगा। मिली, कहाँ हो तुम? कहाँ, मैं आ गई, कहाँ हो तुम? बेटा, मैंने कहा ना, यहाँ पे हम दोनों के अलावा आपका कोई फ्रेंड नहीं रहता। पापा, मम्मी, ये देखो, यही वो फूल वाली बालकनी, यहाँ पे किसी आंटी ने उसकी पिटाई की थी। लगता है आपकी मिली ने कोई सपना देखा है। नहीं अंकल, सच में मैंने उसे यहाँ पे देखा है। ये बच्ची मिली, ये बार बार कह रही थी कि उसने एक लड़की को देखा यहाँ पर। सबने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। सर, हो सकता है ये मिली का वहम हो। वहम ही है सर, वलुषा और रोहन के कोई बच्चा नहीं था। नहीं,
ये उस बच्ची का वहम नहीं हो सकता। वो बच्ची इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना विश्वास था उसे कि उसने उस लड़की को यहाँ पर देखा है, इसीलिए तो अपने मम्मी पापा को यहाँ पर लेकर आई दिखाने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये वहम नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। इस बच्ची मिली और उसके मम्मी पापा से मिलना पड़ेगा। खाना तुम गेट पर भी खा सकते थे ना, गेट छोड़कर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी गायब है घर से, इसका मतलब समझ रहे हो तुम? भगवान, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? मेरी बिल्ली 10 साल के साल में होगी, प्रणव उसको लाओ, मेरी बच्ची को लाओ। Excuse me. देखिए हम लोग CID से। CID? जी हाँ, CID से। मिली से मिलने आए थे, मगर सर सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए, वो बहुत छोटी है, न जाने कहाँ अकेले चली गई है। सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। ये कब और कैसे हुआ? कल रात में वो हमारे साथ ही सोई थी, लेकिन जब हमने सुबह उठ के देखा तो नहीं थी वो पूरे घर पे। देखिए आप प्लीज रोइए मत, आपकी बच्ची मिल जाएगी। आप लोगों ने कहीं अपनी बेटी के साथ कोई डांट डपट तो नहीं की थी? सर डांट जैसी कोई चीज नहीं थी, वो हमको कल एक पास की सोसाइटी के फ्लैट में लेके गई, लेकिन हैरानी की बात है जब से वो वहां से आई है बहुत परेशान थी, बहुत गुस्से में थी। सर हम लोग उसी फ्लैट से आ रहे हैं, बलुशा का खून हो गया वहां पे। खून? क्या बलुशा जी का खून हो गया? जी, और उनके हस्बैंड का भी अभी कुछ पता नहीं चला है। देखिए उसी सिलसिले में हम आपसे बात करने आए थे, हमें पता लगा कि मिली उस फ्लैट में किसी बच्ची को ढूंढ रही थी। सर हमने खुद जाके ढूंढा, वहाँ कोई बच्ची नहीं थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मिली को ऐसा क्यों लग रहा था वहाँ पे कोई बच्ची है। क्या कहूँ मैं, इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशी आई थी, 2 दिन पहले मिली का बर्थडे था, जिसकी 3 महीने पहले पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी, और हमने मिली से ये कहा था कि उसका भाई पिकनिक पर गया है और जल्दी ही वापस आ जाएगा। ये सब क्या है मिताजी? वो गाना, मिली के कपड़े, ये सब कहाँ से आ गया? हाँ आप सब कुछ जानते हैं, बावजूद आपने ऐसा किया। हमने मिली को पहनाने के लिए इतनी अच्छी ड्रेस लाकर आपको दी थी, और आपने बंटी के कपड़े पहना थी उसको। देखिए इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मिस्टर प्रणव, आप जानते हैं आपकी बेटी कितनी जिद्दी है, और उसे नहीं पता बंटी के साथ क्या हुआ। अगर मैं उसके साथ ज्यादा जबरदस्ती करती तो उसे सच बताना पड़ता। Listen, please, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बात किसी भी तरह से मिली को नहीं पता चलनी चाहिए, प्लीज। लेकिन कभी ना कभी तो मिली को बताना पड़ेगा ना कि बंटी अब कभी वापस नहीं आएगा। और जिसका डर था कल रात वही हुआ। मम्मी पापा। हाँ मेरा बच्चा। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बेटा पूछो। आपने तो कहा था बंटी भैया इस रॉकेट से भूम पे गए थे, बट लेकिन अब तक आए क्यों नहीं? मेरा बच्चा, आपके भैया जरूर आएंगे, जल्दी वापस आएंगे। आपको पता है आने से पहले वो क्या करेंगे? आपको फोन करेंगे। मिली जाओ, अब जाके सो जाओ। मुझे पता है आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बंटी भैया नहीं आएंगे। मिली मिली, ये लड़की को कौन समझाए? मैं बात करती है। मिली प्लीज ओपन द डोर, तुम समझाओ यार। मिली दरवाजा खोलो बेटा, मिली सब कुछ बताएगी आपको। मिली अरे वो देखो। क्या देखो, वहाँ पर तो कोई नहीं है। वहाँ पे है, मैंने देखा है। वहाँ पर ऐसा कोई था ही नहीं। चलो वो सब मिली की कल्पना थी। मिली क्या कर रही हो तुम? मिली को समझने की कोशिश करो। मेरी बात सुनो। मम्मा क्या कह रही है सुनो प्लीज। बंटी की जगह एक दोस्त अपने दिमाग में पैदा कर लिया था उसने, और ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी हमें इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। लगता है मिली मानसिक तौर से बहुत परेशान थी, पहले अपने भाई बंटी को लेके, फिर अपने दोस्त को लेके, और शायद आप में से कोई इसकी बात समझ नहीं रहा था इसलिए वो चली गई। अच्छा आप लोगों को किसी पे शक है क्या? शक? सर एक सेकंड सर, मिली के हाथ का नोट मिला है, इसलिए हम जानते हैं कि वो अपनी मर्जी से कही। सर मम्मी पापा कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है,
इसलिए मैं खुद अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। जल्दी वापस आऊंगी। भैया तो वापस नहीं आया, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगी। देखिए, मिली और उसके दोस्त की क्या कहानी है ये तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप हम पे भरोसा रखिए, हम मिली को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। हाँ फ्रेडी, कुछ पता चला? रोहन का फोन 500 मीटर की दूरी पर है, वो आसपास ही कहीं होगा। 500 मीटर? सर रोहन आबादी से हटकर इस तरफ क्यों आया होगा? फिर भी जरूर कोई ना कोई तो वजह होगी यहाँ आने की, देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। पूरी पूरी एक मिनट, जरा पीछे लो, रिवर्स लो। सर गाड़ी रस्से से नीचे उतर गई है, जरा पीछे लो, चलो गाड़ी की तरफ जाते हैं। तो रोहन है, सांस चल रही है इसकी। एम्बुलेंस बुलाओ जरा जल्दी। सर चेक करो, सर सिर पे चोट के निशान है, शरीर पे कहीं पे भी चोट के निशान नहीं दिख रहे। हाँ मोबाइल मिला है, शायद रोहन का होगा। देखो आखिरी कॉल किसके हैं, कुछ मैसेज वगैरह है क्या? देखो आखिरी मैसेज तो इसने जो वलुषा को किया था वही है, उसके बाद से ना तो इसने किसी को फोन किया और ना ही इसे किसी का फोन आया है। ना बड़ी अजीब बात फ्रेडी, एक पति अपने पत्नी को सेलफोन पे मैसेज भेजता है कि वो आधे घंटे में घर पहुंचना है, लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पत्नी उस बेचारी का घर में ही कत्ल होता है। सारा चक्कर है क्या? वही हुआ जो हमने सोचा था। हेलो तारिका जी। हेलो। अरे सुना, सारुम के साथ नहीं है आज? हाँ सर नहीं है, इसलिए काम का प्रेशर ना बहुत बढ़ गया। हाँ वो तो है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा होगा। जब भी कोई काम होता है ना, वो कोई काम निकाल के खिसक लेते हैं यहाँ से, सारा काम आपको करना पड़ता है। अरे नहीं सर, वो तो सच में काम से गए हैं। क्या पता क्या चला वलुषा की बॉडी से? वलुषा की मौत जहर से हुई है, पंखे से लटकने की वजह से नहीं। क्या जहर से मौत हुई है? हाँ, और उसके बाद इसे लटकाया गया। लेकिन वलुषा ने जहर खाया कब? हमने उसका घर अच्छी तरह से चेक किया था, वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब जहर घर पे खाया या बाहर ये तो नहीं पता, लेकिन मरी तो ये जहर के वजह से ही, स्लो पॉइजनिंग से। ये वीडियो देख सकते हैं आप,
ये जो इसका इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना इस तरफ, उस पे ये जो चिपका हुआ है ये अनडाइजेस्टेड मैदा और सब्जियां हैं जो ज्यादातर पिज्जा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये पिज्जा खा के मर गई? पंकज, पिज्जा की वजह से नहीं, पिज्जा में जो जहर मिलाया हुआ था उस वजह से। मतलब इसे किसी ने पिज्जा में जहर मिला के खिलाया और उसके बाद जब ये घर गई तो वहां इसने दम तोड़ दिया और उसके बाद किसी ने इसे पंखे से लटका दिया और इस खून को खुदकुशी में बदलने की कोशिश की। सर, वलूषा का पति रोहन हमें कुछ बता सकता था, लेकिन गहरी चोट की वजह से वो भी अस्पताल में लेटा पड़ा है। पता तो अभी चल सकता है वलूषा के फोन से। पता करो ये फोन कहां कहां गया था और जहां पे ये फोन ज्यादा देर के लिए रुका था वलूषा ने पिज्जा वहीं पे खाया है। भैया इसमें चटनी है, जहर है, मेरा पूरा मुंह जल गया, लगता है दुनिया भर की मिर्ची आपने इसी में डाल दी है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। मीठा पानी डालो अब इसमें। हाँ पानी डालो। अंकल 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 इधर, मैं नीचे। अरे वाह बेटा, क्या चाहिए आपको? दो प्लेट पकोड़े। अच्छा ठीक है, दो पकोड़े चटनी। अंकल लेकिन चटनी मत डालना, चटनी से मेरा गला खराब हो जाता है। बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो मैं क्यों बताऊँ आपको? हाँ ये तो है। ये बेटा दो पैकेट किसके लिए? मतलब ये मेरी फ्रेंड भी तो खाएगी, उसके लिए दूसरा पैकेट। अच्छा फ्रेंड भी है आपकी? हाँ। कहाँ है बेटा? वो वहाँ पे पीना। दो सितारे यहाँ पे, अच्छा पैसा मिलेगा इनके माँ बाप से। जैसे ही फोन करूँ तुरंत चले आना, तब तक जगह ढूंढ के रखो, कहाँ रखना है इन्हें। चमन, हमें दोनों ही बच्चियों पर नजर रखनी होगी। हाँ समी, तुम दोनों निकल लो इनके पीछे और ध्यान रहे किसी भी कीमत पे दोनों बच्चियाँ हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा मिली, तुम खाते खाते रुक क्यों गए? क्या हुआ मिली? कुछ नहीं, मम्मी पापा की याद आ रही है, वो मेरे बिना खाना नहीं खाते ना। कल तो वैसे भी तुम अपने घर चली जाओगी, फिर उनके साथ बैठ के खा लेना। ये दोनों तो यहीं बैठे हैं। कल सब ठीक हो जाएगा, तुम भी खुश मैं भी खुश। कल से तुम्हें कोई मारेगा भी नहीं या कहीं पे भेजेगा भी नहीं। कल हम पहुंच जाएंगे ना वहाँ पर? हाँ। पर आज रात हम ठहरेंगे कहाँ? यहीं पर। यहाँ पे? हाँ, पेट भी भर गया और एक ही रात की तो बात है, यहाँ पर सो जाएंगे। ठीक है। सच में रात भर की ही तो बात है, तब तक हमें भी कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। कल रात करीब 1.5 घंटे तक ही आपके रेस्टोरेंट में थे और कल रात ही इसका खून हो गया। जी सर, ये हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है, बहुत दुख हो रहा है सुनकर, लेकिन इसके खून के साथ हमारा क्या लेना देना? सर लेना देना है, वलूषा की मौत तुम्हारे रेस्टोरेंट के पिज्जा खाने की वजह से हुई है। मैं कुछ समझा नहीं सर। उस पिज्जा में जहर था। सर ये कैसे हो सकता है? कल सर काफी लोगों ने पिज्जा खाया है। काफी लोगों ने पिज्जा खाया मगर मौत सिर्फ वलूषा की हुई है, समझे? उस पिज्जा में जहर आया कहां से? कहां से आया जहर? सर शायद उस आदमी ने उसको जहर दिया रहेगा जो कल उस लड़की के साथ बैठा था। ए, कौन था वो आदमी? सर नाम तो पता नहीं, पर वो मैडम उनके साथ में बैठी हुई थी और कुछ बहस भी हो रही थी। उस आदमी ने पिज्जा खाया था क्या? पता नहीं सर। किस वेटर ने ऑर्डर ली थी? सर अंकित, मैं अपना टेबल देखता हूँ। जाओ।
क्या जानते हो तुम, क्या छुपा रहे हो? वान! सर, मुझे पता नहीं था वो मर जाएगी। उस आदमी ने मुझे बोला कि बलुशा सिर्फ बेहोश होगी उस दवाई से, वो भी काफी देर बाद। किस आदमी ने बोला था हा? कौन था वो आदमी? इतनी जल्दी क्या है केतन? केतन, यही था मैडम के साथ। मैडम बात करते करते उसी का नाम ले रही थी। केतन? बिल किसने दिया था? केतन साहब ने पे किया था, क्रेडिट कार्ड से सर। क्रेडिट कार्ड? सर फिर तो हम इस केतन तक पहुंच सकते हैं। हाँ सर, कल एक और आदमी बलुशा मैम से मिला था। कौन कौन था वो आदमी? सॉरी। हेलो साहब, मैं अमर, जूस वाला। चटकार गली से। यार मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, जूस वूस नहीं चाहिए मुझे, समझे? नहीं साहब, मैंने इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि दो छोटे छोटे बच्चों को कुछ खतरा हो सकता है। खतरा? कैसा खतरा? साहब कुछ लोग हैं जो अभी उन दो बच्चों के पीछे गए हैं। बच्चों के साथ कोई है? नहीं साहब, उन दोनों के साथ में कोई नहीं है और उनकी उम्र 8-9 साल के आसपास में साथ। ओके ओके थैंक्स। कहीं मिली और उसके दोस्त तो नहीं है? देखो गुस्सा होने से मामला और बिगड़ जाएगा, वहां पहुंचकर कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना। कैसी बात करती है तू, जिसकी जो मन में आया करे और मुझे गुस्सा ना आए। अरे उन्हें क्या पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है। देखो तुम शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें वहां से बच बचा के निकलना है। सुबह तुम मुझे नहीं रोक सकती, सीधे साधे लोगों की कोई कीमत नहीं है क्या? बस मुझे पहुंचने दे मुंबई और आने दो उन्हें मेरे सामने, फिर देख मैं क्या कर सकता हूँ। गाड़ी रोको, अरे रुको ना। रुको 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 रुको, मैडम की तरह जगह दो मुझे। अरे पकड़ो पकड़ो, जगह नहीं तो बाहर लटक जाओ ना यार। हाँ, आराम से। हाँ बस डेपो तो बहुत दूर है यहाँ से, हम जाएंगे कैसे? पैसे भी पूरे नहीं है, अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ कोई गाड़ी वाले को रुकाकर हम अंदर बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, मम्मी पापा कहते हैं जिसे हम जानते नहीं हम उसकी गाड़ी में नहीं बैठते। तो फिर करें क्या? फिर अरे बच्चों, उन अंकल से पूछते हैं। कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जाना है? अंकल आप प्लीज हमें बस डिपो तक छोड़ दोगे? अरे बेटा बस डिपो क्या, हम तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, आओ चलो। अंकल बट मेरे पास आपके किराए के लिए पूरे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, घर चल के मम्मी पापा से लेके दे देना, ठीक है? लाओ अब बैग मुझे दे दो। लाओ मिली, आओ बेटा जल्दी करो। ज्यादा सोच मत, मुझे देर हो जाएगी। आओ बेटा जल्दी करो। शाबाश शाबाश बेटा, आओ। तो है इधर आ। क्या 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 तरीका क्या
अंकल ये हमें लेके भाग रहा था। हाँ अंकल हमें बचा लो। हाँ और बदमाश बच्चा चुराता है। नहीं वो बच्चा झूठ बोल रहे हैं। हाँ? मैं तो वो मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है। हाँ? अरे मार क्यों रहा है? ए, ए, मार मत। अंकल भाग गया। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ अंकल हम ठीक है। मगर तुम दोनों जा कहाँ रहे थे? अंकल हमें बस जयपुर जाना है। क्या आप हमें छोड़ दोगे प्लीज? तुम लोगों के प्लीज घर वाले कहाँ हैं? घर पे। ठीक है चलो। अब जाओ। बेटा यहाँ किससे मिलना है? उसे आ तो जाने दो, ऐसे कैसे तुम दोनों को छोड़ के चला जाऊं? अंकल अब फिकर मत करो, वो लोग आ जाएंगे। फिर मिली अपने घर पे और मैं अपने घर पे। किधर है तुम्हें दिखे क्या? नहीं पता नहीं कहाँ है। आज तो मेरा खून तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक हम उन्हें सबक नहीं सिखा देंगे। क्या कर रहे हो? अभी ठंडे रहो, जब खून गर्म करना होगा तब कर लेना। फिलहाल देखी तो सही हमें जो खबर मिली है वो सच है या झूठ। एक काम करते वहाँ देखते हैं। चलो, चलो। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम लोग बच्चियों को उठा लो और सुनो बाइक वाले को संभालना। चलो ये बैग पकड़। अरे ये आदमी गुस्से में हमारी तरफ क्यों आ रहा है? अरे ये तो पकोड़े वाले अंकल है। हाँ, ये तो पकोड़े वाले अंकल है। बेटा चलो बाइक पे बैठो, ये शायद तुम्हें मारने आ रहा है। चलो आप ठीक हो ना? हाँ। मिली ये मेरी मम्मा है। अंकल मेरे पापा को बचा लो, वो लोग उन्हें मार रहे हैं। निकल
मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, वैसा खेल खिलाऊंगा ना जिंदगी भर खेलते रहोगे। सर मैं और वलूचा बच्चों को अगवा करके उन्हें बेचने का काम करते थे। सर वलूचा, वलूचा मेरी पत्नी नहीं है सर, वो मेरी पार्टनर थी। सर हमने टीना को केतन के लिए अगवा किया था। तुम मिली को क्यों लेकर जा रहे थे? सर वो मैंने टीना के लिए किसी से 5 लाख रुपए लिए थे, मैंने सोचा टीना नहीं तो मिली से ही। मगर पासा उल्टा पड़ गया और हम लोग आ गए। वलूचा के पिज्जा में जहर तुमने ही डाला था ना? हाँ सर वो सारा पैसा अकेले हजम करना चाहती थी बस। और तुम रोहन, तुम भी थे ना उस रात वलूचा से मिलने गए थे रेस्टोरेंट में? सर जब मैं वहां पहुंचा तो वलूचा रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। वलूचा, वलूचा तुम यहाँ अकेले कैसे आ गई? हम तो साथ में आने वाले थे ना। आओ हम लोग बैठते हैं। अभी मैं घर निकलती हूँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, घर आना फिर बात करते। सर वहां से निकलकर मैंने अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह में लगा दिया और अपना मोबाइल भी मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। सर मुझे पता था वलूचा कितनी देर में मर जाएगी, इसीलिए उसके खून को खुदकुशी में बदलने के लिए मैं घर गया। घर से आने के बाद मैं सीधे गाड़ी के पास आया, मैंने गाड़ी को गड्ढे में धकेल दिया। उसके बाद उसमें बैठकर एक छोटा सा एक्सीडेंट जैसा बना लिया, जहाँ पर मैं आपको पड़ा मिला था। बहुत बड़ा प्लान बनाया था तुमने, हैं? अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, पैसों की लालच में तुमने खून भी किया, सिर्फ इतना ही नहीं मासूम बच्चों की जानों का सौदा किया। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक ही नहीं है, तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। जयवंती ले जाओ इन्हें। यस सर। चल मिली, 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 तुम कहाँ चली गई थी बेटा? मिली, मिली, मिली बच्ची, कैसे हो? थैंक यू। टीना को उसके मम्मी पापा से मिलवाने, आप मेरी बात नहीं सुनते हो ना, ये है टीना। आप सब लोगों की वजह से हमारी हमारी बेटी मिल गई। अगर मिली नहीं होती तो शायद वो गंदे रोहन अंकल मुझे पकड़ कर ले जाते। देख लिया आप लोगों, कितने होशियार बच्चे हैं, कितने समझदार हैं। देखिए बच्चे जब भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है। इनकी बातों को कभी अनसुना मत कीजिए, विश्वास कीजिए बच्चों पर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।